दोस्तों क्या आप जानते हैं सिंट्राट्रैक 3D क्रिप्टैट स्नीकर्स जूतों की डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और क्या आपको पता है नई बायोनिक विजन टेक्निक से ब्लाइंडनेस हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और तो और क्या आपको पता है एक एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक बनाई जा रही है जिससे आपको कभी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसी ही 21वीं सदी की कुछ अद्भुत इन्वेंशन के बारे में आपको बताएंगे जो इस दुनिया और ह्यूमैनिटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि एक स्मार्ट पर्सन होने के खातिर आपको ये इन्वेंशन के बारे में पता होना ही चाहिए। नंबर 10 सिंट्राटैक द क्रिप्टाइट स्नीकर्स। दोस्तों क्या आपने सिंट्राटैक 3D क्रिप्टाइट स्नीकर्स का नाम सुना है? दोस्तों ये 3D क्रिप्टाइट स्नीकर्स जर्मन के एक डिजाइनर स्टीफन हेनरिच ने डिजाइन किया है। ये शू स्टीफन ने 3D प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से डिजाइन किया है। ये जूता देखने में आपको किसी बड़े जानवर के पैर की तरह लगेगा। यही वजह है कि इस शू को क्रिप्टाइट स्नीकर्स का नाम दिया गया है। एक्चुअली क्रिप्टाइट किसी भी बड़े पंजों वाले जानवर को कहा जाता है, लेकिन जब आप इन जूतों को पहनोगे तो आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये पूरा शू सिर्फ एक ही TPE मटेरियल से बना हुआ है। TPE की फुल फॉर्म थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स होती है। ये TPE मटेरियल दिखने में रबर की तरह होता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये शू दिखने में किसी सॉक्स की तरह लग रहा है। एक ही TPE मटेरियल की वजह से ये शू पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इसकी सोल का डिजाइन बहुत ही अलग और सुंदर है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जूते को एक बार पहनने का ट्राई करना चाहोगे? हमें कमेंट करके बताओ। नंबर 9 बायोनिक विजन रिमूविंग ब्लाइंडनेस। क्या आपने बायोनिक विजन का नाम सुना है? दोस्तों ये वाकई एक बहुत अच्छा और यूजफुल इन्वेंशन है। असल में बायोनिक विजन टेक्निक दुनिया में से ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से खत्म कर सकती है और लोगों के लो विजन को भी बढ़ा सकती है। बायोनिक विजन टेक्निक के अंदर एक बायोनिक आई होती है जिसके अंदर माइक्रो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। सर्जरी की मदद से इस बायोनिक आई को ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट किया जाता है। ये माइक्रो इलेक्ट्रोड्स इम्पल्सेस को ब्रेन से आंखों तक ट्रांसफर करते हैं। ये टेक्नोलॉजी ब्लाइंड लोगों का फ्यूचर रेडिकली बदल देगी। नंबर 8 पेड्रोन डिजाइन माउस। वक्त के साथ साथ बहुत सी चीजें बदलती रहती हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला माउस। शुरुआत में माउस का साइज बहुत बड़ा होता था जो कि एक वायर से कनेक्ट करने के बाद चलाया जाता था। उसके बाद माउस के डिजाइन में बदलाव आने लगे, साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया। फिर आया वायरलेस माउस। क्या आप जानते हैं वायरलेस माउस के बाद कौन सी डिजाइन का माउस आएगा? ये नया इन्वेंशन वाकई आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों अब जो माउस आने वाले हैं वो कुछ इस तरह की रिंग शेप में आएंगे जिसे आप इजीली अपनी उंगली में पहन सकते हैं। इस माउस को पेड्रोन डिजाइन माउस कहते हैं। इस माउस को आप इजीली अपनी उंगली में पहनकर ब्लूटूथ से इसको किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके चला सकते हैं। इस पेड्रोन माउस को चलाने के लिए बस आपको वर्चुअली अपनी उंगलियों को चलाना होगा। जैसे क्लिक करने के लिए आप उंगली को बस नीचे की तरफ टैप कर सकते हैं और स्क्रॉल करने के लिए अपनी उंगली को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको इसे इस्तेमाल करते वक्त लैपटॉप के टच पैड की तरह ही फील होगा। ये एक वाकई बहुत रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। नंबर 7 कार्पेट अलार्म क्लॉक। हम सब सुबह जल्दी उठने के लिए कई सारे अलार्म सेट करते हैं लेकिन फिर भी कभी वक्त पर नहीं उठ पाते हैं। ज्यादातर लोग हर अलार्म को लेटे लेटे ही बंद कर देते हैं और आराम से सोते रहते हैं। तो दोस्तों ये नया इन्वेंशन आपको सुबह जल्दी उठाकर ही रहेगा। इसका नाम कार्पेट अलार्म क्लॉक है। चलिए आपको इसके फीचर्स और स्पेशलिटी के बारे में बताते हैं। इस अलार्म क्लॉक के अंदर आप अपने मैसेजेस और पसंद के गाने USB पोर्ट की मदद से डाल सकते हैं। इसके अंदर टाइम दिखाने के लिए एक डिस्प्ले लगी हुई होती है और सबसे जरूरी बात, जब यह अलार्म बजता है तो इसे बंद करने के लिए आपको इसके ऊपर लगभग 30 से 45 सेकंड्स तक खड़ा रहना पड़ता है और तब जाके ये अलार्म बंद होता है और इतना वक्त आपको नींद से जगाने के लिए काफी है। इस कार्पेट अलार्म को आप लेटे लेटे स्नूज नहीं कर सकते हैं। इस कार्पेट अलार्म को चेंज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6 स्मार्ट टैटूज। टैटूज बनवाना आजकल फैशन बन गया है। लोग अपनी बॉडी के हर हिस्से पर टैटू बनवाने लगे हैं। इन टैटूज को बनवाते वक्त और बाद में लोगों को बहुत सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो दोस्तों सारे टैटूज लवर्स के लिए इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन इन्वेंट हो चुका है। जी हाँ, स्मार्ट टैटू से आपकी बॉडी पर कोई भी बुरा असर नहीं होगा। दरअसल स्मार्ट टैटू एक एपिडर्मल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसमें छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर स्किन के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन टैटू से आप अपनी बॉडी के अंदर आ रहे चेंजेस को पहचान सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर लेवल बदल जाना। जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये टैटू ऑटोमेटिकली अपना कलर बदल लेते हैं। और तो और ये टैटू टच सेंसर की तरह भी काम करते हैं जिससे आप फोन में चल रहे सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नंबर 5 BU चेयर्स। चेयर्स पर पूरे दिन बैठकर आप बुरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन अब जिस इन्वेंशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको वाकई हैरान और खुश दोनों कर देगी। क्या आप किसी ऐसी चेयर के बारे में सोच सकते हैं जिसको आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़, फैला और बदल सकते हैं? जी हाँ, ऐसी चेयर असल में इन्वेंट हो चुकी है।
BU चेयर कंपनी ने ऐसी चेयर इन्वेंट करी है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ और जोड़ सकते हैं। इस चेयर के हर हिस्से को आप किसी भी एंगल में मोड़ कर किसी भी तरह से बैठ या लेट सकते हैं। ये चेयर बहुत आरामदायक है जिसपे आप घंटों तक लगातार काम कर सकते हैं। नंबर 4, इग्वाना यॉट्स। अगर कोई आपसे बोट के बारे में बात करता है तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि सभी बोट्स पानी में ही चलती हैं। पर क्या आपने किसी ऐसी बोट के बारे में सुना है जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी चल सकती है? जी हाँ, इस पानी के साथ साथ जमीन पर भी चलने वाली बोट का नाम है इग्वाना यॉट। दरअसल इग्वाना यॉट एक कंपनी है जो ऐसी बोट्स बनाती है जिसे पानी और जमीन दोनों जगह चलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस बोट में टायर की जगह पर ये टैंक जैसे चेन्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसकी मदद से ये बोट जमीन पर चलती है। ये बोट पानी और जमीन दोनों जगह बहुत ही एफिशिएंटली चलती है। इस बोट को आपको पानी में पार्क करने की या किसी रस्सी से बांधने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप इसे डायरेक्टली जमीन पर कहीं भी पार्क कर सकते हैं। नंबर 3, इनमो एयर स्मार्ट ग्लासेस। सनग्लासेस लगाना आप सभी को बहुत पसंद होगा और अगर ये ग्लासेस फैशनेबल होने के साथ साथ स्मार्ट भी बन जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी। तो दोस्तों, स्मार्ट ग्लासेस ऑलरेडी इन्वेंट हो चुके हैं। इनमो नाम की कंपनी ने ऐसे स्मार्ट ग्लासेस इन्वेंट किए हैं जिसको पहनकर आप अपने आसपास की चीजों की कंप्यूटराइज्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। इन ग्लासेस में कैमरा, टच सेंसर और जूम इन करने वाले अमेजिंग फीचर्स मौजूद हैं। आप इन ग्लासेस को पहनकर GPS यूज कर सकते हैं और फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, आप इन ग्लासेस से अपने फोन को बिना टच किए हर चीज एक्सेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन है। नंबर 2, गाला सिस्टम इनकॉर्पोरेशन। दोस्तों, आपने बहुत से सेमिनार हॉल्स, ऑडिटोरियम और स्टूडियो देखे होंगे लेकिन आपने गाला सिस्टम इनकॉर्पोरेशन के बनाए गए हॉल्स के जैसा कोई हॉल और ऑडिटोरियम नहीं देखे होंगे। दोस्तों, गाला सिस्टम कंपनी पूरी दुनिया में अंडर स्टेज इक्विपमेंट बनाने के लिए बहुत मशहूर है। गाला सिस्टम कंपनी ऐसे हॉल्स बनाती है जिसको हॉल्स के ओनर जरूरत के मुताबिक बदल सकते हैं। जैसे इस कंपनी के बनाए हॉल्स में आप चेयर्स की क्वांटिटी जरूरत के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं और जब इन चेयर्स की जरूरत ना हो तो इन्हें फ्लोर्स के नीचे भी एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को आप देख सकते हैं कि ये चेयर्स कैसे अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लोर के नीचे चली गई हैं, जिसके बाद फ्लोर एकदम प्लेन हो जाता है जिसको किसी भी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे अब तक गाला सिस्टम कंपनी ने 65 कंट्रीज में 1750 प्रोजेक्ट्स किए हैं और फ्यूचर पे काम चालू है। नंबर 1, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका घर एनर्जी स्टोर कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है जिसकी मदद से दीवारों की ब्रिक्स में एनर्जी स्टोर की जा सकती है। इसीलिए आप इसे ब्रिक्स बैटरी भी कह सकते हैं। इन ब्रिक्स को सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज किया जा सकता है। इन ब्रिक्स की मदद से लोगों की एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हद तक पूरी हो सकती है। जैसे एक ब्रिक को 15 मिनट चार्ज करने के बाद उसकी एनर्जी से आप 50 मिनट तक इमरजेंसी लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन ब्रिक्स की मदद से आप दूसरे इक्विपमेंट जैसे फोन को चार्ज करना और फैन एक्सेट्रा वगैरह भी चला सकते हैं जिससे आप महंगे बिजली के बिलों से बचोगे। फिलहाल ये टेक्निक बहुत महंगी है लेकिन रिसर्चर्स इसकी कॉस्ट कम करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।